मैं क्या देखती हूँ। आज मेरे बापू घर में बैठकर आंसू बहाती हैं। आखिर बात क्या है बापू? आज तक मैंने आपने आंसू में नहीं देखी, लेकिन आज क्या बात है बापू? बैठे गमगीन क्यों सारे बापू, आखिर क्या बात है जो आप घर में बैठकर आंसू बहाते हैं? उठो बापू। बेटी सावरी, तुझको जब देख लेता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यही सोचता हूँ कि मैं तेरी शादी किस तरह करूंगा। और क्या बताऊं तुम्हें के लिए तो शिकार मुझे मेरे हाथ से निकल जाता है। बुढ़ापी के मारे मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ। यही सोचता हूँ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू धीरे धीरे सवारी होती जा रही है। तेरे हाथ किस तरह से मैं पीले करूंगा, तुझे ससुराल किस तरह भेजूंगा, मेरी लाडली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापू मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल आप बूढ़े हो चुके हैं और बुढ़ापे में आंखें नहीं होता, लेकिन भगवान ने आपको बेटा नहीं दिया तो तुम्हें मुझे तुम्हारी बेटी बनाकर भेजा। आज से मैं अपने बापू का हाथ खुद बटाऊंगी, मैं भी चलूंगी आपके साथ जंगल शिकार खेलने। लेकिन रही मेरी शादी की बात, तो सुनो बापू।
ताना करे बापू, आप चलिए यहाँ से, हाथ मुंह धुलिए, चल के भोजन में तुम्हें कराती हूँ, उसके बाद जंगल चलते हैं, चल के आखिर करते हैं बापू। बेटी, अरे ऊपर वाले ने तुझे बेटा बना कर क्यों नहीं मेरी झोली में डाला था कि आज ये सुबहाने के दिन नहीं होते, अगर आज तू हमारा बेटा होता मेरे साथ शिकार करने चलेगी, वो भी जंगल जाएगी मेरे साथ। नहीं बेटी, नहीं। चल, ठीक है बेटी, अगर तू मेरा हाथ बटाएगी तो तेरे बापू का बोझ सर से हल्का जरूर हो जाएगा। आओ चलते हैं। भगवान, ऐसी गरीबी किसी को नहीं देना, आज जिस प्रकार बाप बेटी को दिया है, मेरी शादी के लिए हमारे बापू कितना कष्ट उठाते हैं, और मेरे बापू ही नहीं, जिन गरीबी के घर में बेटी होगी, हर बाप यही समझता है कि हमारी बेटी की शादी कितनी जल्दी हो जाए, लेकिन बापू इसमें चिंता करने की बात नहीं है, एक दिन जरूर ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। चलो बापू। लैला हो बनवारी खबर हमारी,
आगे राजक पूर्वा के बंगाली बाबा, ये देखिए 20 रुपए 21 रुपए दे रहे और इसलिए दे रहे कि आपकी शादी हो जाए और हमारे दादाजी को मदद मिल जाए। धन्यवाद। रामसिंह, तुमको हमने कहा था ना शादी में नए कपड़े पहनने के लिए। पहने तो है, यही शादी में इसी तरीके कपड़े पहने जाते हैं। अबे प्रेस करेगा दयान है, प्रेस नहीं का इस समय। रामसिंह जय, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, लेकिन अब वो पुराना वाला जमाना चला गया है। ये तो सत्य है। और नए जमाने के अनुसार अब ज्यादातर जयमाल सिस्टम का चलन हो गया है। ये तो सत्य है। तो सोच रहे कि अगर महाराज राम सिंह जाओ देखो दासी ने उस लड़की को तैयार किया है नहीं। अवश्य। और महामंत्री भवानी सिंह तुम प्रजा की तरफ जाओ और प्रजा की देखभाल करो। आओ चलते हैं अपने शयन कक्ष की तरफ और वहीं चलकर प्यार की मीठी मीठी बातें करते हैं। और ये तो गलती है, सो हमारे तुम्हारे प्यार की शुरुआत अभी ही से हो रही है, सो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए। शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, आगे लगी
अरे महाराज तुम बेहोश हो गए। मंत्री जी, अरे तुम बाहर क्या करते खड़े, यहाँ अंदर आओ ना। अरे बाहर नहीं, यहाँ अंदर आओ। महाराज तुम बेहोश हो गए, इसको इसी कमरे में पड़ा रहने दो, हम दोनों लोग किसी दूसरे कमरे में चलते हैं। चलो। और राम सिंह, तुम यहाँ गेट पे पहरेदारी करना, अगर कोई अंदर आए तो उसकी खबर हम तक पहुंचाना है। रामा वाले क्या 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 अबे उसे रवा वाले लड्डू बोलते हैं। यही गेट पे पहरेदारी करो, अगर कोई अंदर आए तो उसकी खबर हम तक पहुंचाना है। चलो ना, देर मत करो, सुहागराज के सुबह मुहूर्त निकल जाएगी। क्या कर रहे हो ना, जल्दी से अरे जल्दी करो ना। अरे मौज राजा